हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज की वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 9 होने वाला है ये। इट्स रेनिंग, इट्स बारिश हो रही है, बारिश हुई, पानी की बरसात हुई। आज हम लोग इस वाले चैप्टर को कंप्लीट, छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट से हम लोग इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एंड इस वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर हो आपकी आठों की आठ वीडियोज अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपकी पूरी क्लास थर्ड की ईवीएस मैंने आप धीरे धीरे करके कंप्लीट करा रही हूँ मैं, और क्लास थर्ड की इंग्लिश मैंने आप लोगों की कंप्लीट करा दी है। मैं अपनी वीडियोज को कम से कम टाइम में कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ, उसमें आप लोगों की एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर्स, पूरा चैप्टर आप लोगों को मैं सब कुछ कंप्लीट कराती हूँ। बस आप लोगों को क्या करना होता है, आपको मेरी वीडियोस को ओपन करना होता है, सामने अपनी बुक्स को खोलना होता है, ऑनलाइन बाय लाइन सबको ऑनलाइन बाय लाइन आप लोगों को सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, शुरू करें। चलो अब हम लोग अपनी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 है, इट्स रेनिंग, बरसात, बारिश, पानी की बहार। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो एक चैप्टर का मेन नाम क्या है, यहाँ पे अप्पू एट बनानास। अप्पू, अप्पू यहाँ पर किसका नाम है? अप्पू यहाँ पर नाम है इस एलिफेंट का। किसका नाम है अप्पू? इस एलिफेंट का नाम है। क्या नाम है? अप्पू। एट यानी कि खाना, क्या खाना? बनानास यानी कि केले। जो अप्पू है वो केले खाता है, अप्पू जो है वो केले खाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या है, अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच, ही प्लक्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। जो अप्पू है, जो एलिफेंट है ये, इसको बनाना बहुत पसंद है, केले बहुत पसंद है। यहाँ पे केले लटके हुए हैं ना यहाँ पर बनाना ट्रीज पे, तो केले अप्पू को बहुत पसंद है। ही प्लक्स, वो तोड़ता है, क्या तोड़ता है? बनाना, ऊपर से उसने तोड़े और वो खाता है बनाना ट्रीज पे से, फ्रॉम द ट्रीज हर दिन एवरी डे। तो हर दिन वो आता है इन पेड़ों पे से बनाना के गुच्छे को तोड़ता है और वो उन्हें खाता है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। एक दिन वो देखता है कि देखो यहाँ पर कि जो बनाना का जो ट्रीज है ना वो ड्रूप हो रहे हैं। ड्रूप का मतलब क्या होता है? झुकना, हल्के कमजोर हो जाना, झुक रहे हैं वो। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई है, इन पेड़ों को बहुत समय से पानी नहीं मिला है, इन्हें बरसात यहाँ पर नहीं हुई है बहुत समय से। ठीक है, तो वो ये देखता है कि भाई एक दिन उसने देखा कि जो पेड़ है, देखो बस पेड़ जो है ऐसे करके लटक रहा है, पेड़ नीचे की तरफ लटक रहा है, झुक रहा है, यहाँ पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई है। अब देखो अप्पू क्या सोचता है, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अप्पू कहता है कि मुझे अपनी ट्रंक में, अपने सूंड में ना, ट्रंक होते देखो ये सूंड जो है हाथी की सूंड होती है ऐसे करके, तो जो हाथी की जो सूंड है वो कह रहा है कि मुझे अपने ट्रंक में, अपने सूंड में पानी भर के लाना चाहिए। ठीक है, यही करता है वो। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर, वो जाता है, ही स्टार्टेड, वो जाता है कहाँ? वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर, वो नदी की तरफ, रिवर की तरफ वो जाता है। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू ने खूब सारा पानी पिया जब तक अप्पू का, अप्पू खुश नहीं हो गया। अप्पू पानी पीता रहा, अप्पू ने पानी पिया जब तक वो खुश ना हो गया। ही बाथड हिज बॉडी विद हिज ट्रंक, देखो अपनी सूंड से, अपनी सूंड में पानी भरा और अपनी बॉडी को ही नहला रहा है, अपने आप को नहला रहा है, अपनी सूंड में पानी भर कर, देखो ऐसे करके, देखो अपनी सूंड से पानी निकाल रहा है ऐसे ऐसे करके और खुद को नहला रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक, फिर वो क्या करता है, अपनी सूंड एंड पोर्ड इट ऑन ऑन द बनाना ट्रीज। देखो फिर क्या हो रहा है, फिर जो पानी है ना वो पानी को अपनी सूंड में, अपने सूंड में खूब सारा पानी को भर के लाता है और आकर एक साथ निकाल देता है। पोर करना मतलब निकाल देना, ऑन दी बनाना ट्रीज, इन बनाना के पेड़ों पर अपना पाना सारा पानी निकाल देता है। देखो पानी निकाला, उन पेड़ों को पानी मिल गया, उन पेड़ों में जान आ गई फिर से। एज सून एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे बिकेम अलाइव, अब जैसे ही इन बनाना ट्रीज को पानी मिला थोड़ी देर बाद ही क्या होने लग गई, इनमें जान आ गई और अच्छे हो गए है ना, इनमें जान आ गई एक तरीके से, इन्हें पानी मिलते ही। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अब अप्पू कहता है कि आज से, अब से, फ्रॉम नाउ यानी कि अब से, आई विल गेट वाटर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा डेली, हर दिन, हर दिन आज से मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। आफ्टर ऑल यू विल ऑल्सो, यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास। आफ्टर ऑल तुम भी तो मुझे अपने जो बनानास हैं अच्छे से टेस्टी बनानास, बिल्कुल पके हुए बनानास डेली खिलाते हो ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए डेली पानी लेकर आऊंगा।
ठीक है, बस इतना छोटा चैप्टर था। देखो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, अप्पू को बनानास बहुत पसंद है, वो हर दिन बनाना के पेड़ों पर से बनाना को तोड़ता है और खाता है। एक दिन उसने देखा कि जो बनाना के जो पेड़ हैं, केले के पेड़ जो हैं, वो काफी बेजान हो रहे हैं, वो झू काफी मतलब से उछक रहे हैं, मतलब काफी नीचे की तरफ हो रखे हैं, झुके हुए हैं काफी। वहां पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई है। अब जो अप्पू है वो कहता है कि मुझे अपनी सूंड में पानी भर के लाना चाहिए। वो जाता है नदी की तरफ जाता है। अप्पू पानी खूब पीता है, तब तक पीता है जब तक वो खुश ना हो जाए, पूरा पेट ना भर जाए, उसका पूरा पेट भर के वो खुश ना हो जाए। और अपनी सूंड में पानी भर कर वो अपनी बॉडी को, अपने आप को नहलाता भी है। फिर वो जो है पानी को लेकर आता है अपनी सूंड में भर कर, और आके उसे बनाना के पेड़ों पर, केलों के पेड़ों पर ऐसे करके पूरा पोर कर देता है, पूरा गिर देता है, फैला देता है। अब जैसे ही इन पेड़ों को पानी मिलता है, इनमें जान आ जाती है। अप्पू कहता है अब से मैं तुम्हारे लिए डेली ही पानी लेकर आऊंगा। आफ्टर ऑल तुम भी तो मुझे डेली बिल्कुल पके हुए टेस्टी केले देते हो ना, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जो हाथी था उसने पेड़ों की मदद करी उनको पानी प्रोवाइड कर कर, और जो पेड़ है वो हाथी की मदद करते हैं उसकी भूख को शांत करते हैं, उसको केले प्रोवाइड कर कर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हेल्पिंग है, दोनों आपस में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता लगा था कि जो अब जो बनाना के जो पेड़ हैं उन्हें पानी चाहिए, कैसे पता लगा, जब वो जो पेड़ थे वो ऐसे झुकने लगे थे क्योंकि वहां पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी। तो वहां पे देखो क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने काफी अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे ही साथ साथ अपनी बुक में फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को ऐसे पता लगा बिकॉज क्योंकि जो बनाना के जो ट्रीज थे वो ड्रूप हो रहे थे, यानी कि झुक रहे थे क्योंकि वहां पर बरसात नहीं हुई थी। इट हैड नॉट रेन एज इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्योंकि वहां पर बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। वहाँ जहाँ जो आपके घर के आसपास पेड़ जो पौधे हैं वो उग रहे हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है। देखो क्या लिखेंगे हम, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन। जो मोस्टली प्लांट्स हैं उन्हें पानी मिल जाता है बारिश से, रेन से, बरसात से, एंड वी ऑल्सो वाटर देम, और हम भी उन्हें पानी दे देते हैं। ठीक है, पेड़ों को पानी देना, पौधों को पानी देना बहुत अच्छी बात होती है, आपको देने चाहिए, अब दिया करो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर एंड वेयर। वो पूछ रहे हैं कि अप्पू ने पानी तब तक पिया था जब तक वो खुश ना हो गया। क्या आपने देखा है कभी भी एनिमल्स को पानी पीते हुए? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो आप लिखोगे यहाँ पे येस, मैंने देखा है, आई हैव सीन कैट्स को, बिल्लियों को, डॉग्स को और काउस को, गाय को पानी पीते हुए, ड्रिंकिंग वाटर। कहाँ पर? अराउंड मेरे हाउस, मेरे घर के आस पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हैव यू एवर गिवन वॉटर टू एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी जानवर को पानी दिया है? इफ येस विच एनिमल, अगर हाँ तो कौन से जानवर को दिया है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपने जिसको भी दिया है। मैंने यहाँ पर किसको दिया, देखो येस आई हैव गिवन वॉटर टू अ काउ, मैंने गाय को पानी दिया है, डॉग को पानी दिया है, कैट को नहीं दिया, कैट से मुझे डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जिन्हें किसी से भी पानी नहीं मिलता है, जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता है, उन्हें पानी नहीं मिलता। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे शेर है, चीता है, उन्हें कौन पानी देगा? किसी को भी खा सकते हैं ना वो, तो पानी उन्हें ऐसे नहीं दिया जाता है डायरेक्टली, या फिर जैसे अगर वो केज वगैरह में है, पिंजरे में, तो फिर तो पानी उन्हें दे देते हैं। बाकी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें की पानी नहीं लेते, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर, वो पानी कहाँ से पीते हैं? देखो वो कहाँ से पीते हैं, सच एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड से, जो तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स, नदियाँ होती हैं। ठीक है, उन्हें पानी वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री। आपने स्टोरी में पढ़ा था कि जो अप्पू है उसने बनाना के ट्री को पानी दिया, बट एनिमल एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज, लेकिन जो एलिफेंट्स हैं वो पेड़ों को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तो पेड़ों को पानी, प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, प्लांट्स को कहाँ से मिलता है पानी? बारिश से मिलता है। व्हेन इट रेन्स सीम टू गेट अ न्यू लुक, जब पानी, जब बरसात होती है, जब बारिश होती है, उसके बाद प्लांट्स का अलग ही लुक हो जाता है, काफी हरे भरे से, काफी शाइनी से, काफी अच्छे हो जाते हैं, फ्रेश से। ठीक है, देखो आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट, आई होप बिल्कुल छोटा चैप्टर था, छोटी वीडियो, छोटा चैप्टर, छोटा एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो आप एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, फिलअप अच्छे लगे हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट
से आ जाए. ओके, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो. थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में.